सीजी में आपका स्वागत है। मैं सुरेश पहल आज के लिए आपका टॉपिक घनमूल आपके लिए लेकर आया हूं। उससे पहले हमने दो या तीन वीडियो हमारे स्केल्स के रूट की और घन की हमारे लिंक पर नीचे लिखे गए लिंक पर डाली है। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो पसंद आई होंगी। और आज की जो वीडियो हमारी घनमूल की, घनमूल मतलब क्यूब रूट, उसमें आप एक मैजिक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल एक ही ट्रिक से सभी समों को निकालेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने घन के अंदर भी आपको बताया था और मैं घनमूल में भी आपको बताऊंगा कि आपको एक से दस तक संख्याओं का घन याद रखना है और एक से दस तक संख्या का घन क्या होता है वो ध्यान से देखेंगे। एक की क्यूब हमारी होती है और दो की क्यूब हमारी होती है बच्चे आठ, तीन की क्यूब होती है हमारी 27, फोर की क्यूब हमारी होती है 64 और फाइव की क्यूब हमारी होती है 125, सिक्स की क्यूब हमारी होती है 216, सेवन की क्यूब बच्चे हमारी होती है 343 और एट की क्यूब हमारी होती है 512 और नाइन की क्यूब हमारी है 729 और टेन की क्यूब होगी हमारी 1000। इस प्रकार ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण घन संख्याएं। इनको क्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्या। और जब तक पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी, पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल निकलता निकलेगा, यानी कि पूर्ण घनमूल संख्या होनी जरूरी है। जब तक संख्या पूर्ण घन नहीं होगी तब तक उसका घनमूल नहीं निकाल सकते। और ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण घन संख्याएं। अब मैं आपको उस ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे लिए एक मैजिक है। केवल एक ट्रिक से सभी पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, कुछ ध्यान से देखेंगे बच्चे। 1728 ये पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए जब हमने घनमूल निकाला था तो इकाई ढाई के दो रूट लिए थे। अब हम घनमूल याद करेंगे। घन का मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। तीन फैक्टर बनते हैं उनमें से एक लेते हैं तो घनमूल होता है बच्चे। तो यहाँ भी इकाई ढाई में से तीन अंकों को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसमें से हम इकाई का अंक देखेंगे, ध्यान से हमारा आठ है तो इकाई का अंक आठ कब आता है बच्चे, जब हम दो का क्यूब करते हैं। जब हम दो का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, तो हमारे इकाई का कितना हो गया, दो। ये समझ में आया, बिल्कुल आसान। उसके बाद हम देखेंगे हमारी संख्या क्या बच गई, वन। वन किन संख्याओं के बीच की संख्या है, एक का क्यूब और दो का क्यूब, इनके बीच की संख्या बच्चे क्या है, वन। बीच की भी है वन का, तो वन ही आएगा, ध्यान रखना है बीच की भी वन है तो उसमें से हम छोटा ही लेंगे हमेशा, तो एक ट्वेल्व का क्या हो गया, घनमूल हो गया। ये तो बिल्कुल आसान था भाई, इससे थोड़ी मुश्किल और लेंगे और हम आसानी से इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, एक ही ट्रिक्स हमारे, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी ट्रिक्स का प्रयोग करते हुए हम संख्या का घनमूल निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ी और एक्स्ट्रा बड़ी संख्या लेंगे हम, जैसे 2197, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम तीन संख्या लेते इकाई का एक सैकड़ा, उसमें से इकाई का अंक सात कब आएगा, जब इकाई का अंक सात कब आएगा, जब हमारा तीन का क्यूब होगा। जब क्या होगा, तीन का क्यूब इकाई का अंक क्या होता है, सात आता है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, हमारा थ्री होगा। ये कहां से पता चला हमें, हम एक से दस तक पूर्ण घन संख्याएं जब याद रखेंगे वहां से पता चलता है। उसके बाद हमारा क्या बच गया बच्चों, दो बच गया। दो किसके बीच की संख्या है, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब हमारा क्या होता है बच्चे, आठ। इनके बीच की संख्या है तीन, सॉरी दो। उनके बीच की संख्या क्या है, दो, क्योंकि हमारी संख्या दो बची है। अब इनके बीच की संख्या दो, तो हम उसमें से कौन सा लेंगे, छोटे वाला लेंगे, हमारा रूल है हमारा छोटा ही लेते हैं। तो ये 13 का क्यूब हो गए, कितने किसका होगी, 13 का क्यूब। थोड़ा और इससे बड़ी संख्या लेंगे और कैसे करेंगे सब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं और उन्हीं का हम घनमूल निकाल रहे हैं बच्चे। अब उससे बड़ी थोड़ी संख्या 117649, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उसका घनमूल निकालेंगे। हम तीन संख्या लेंगे इकाई
तीन हमने संख्याएं ली, उन तीन संख्या में बच्चे ध्यान से देखेंगे इकाई का अंकगणक कब आता है, जब हम 9 की क्यूब करते हैं, किसकी क्यूब करेंगे 9 की क्यूब, तो इसका हमने इकाई का अंक क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है बिल्कुल आसान। अब हमारी तीन संख्याएं बचती हैं 117 किसके बीच की संख्या है, हम देखेंगे पूर्ण घन संख्याओं के बीच की संख्या कौन सी है, 117 बिल्कुल ध्यान से बच्चे, 4 का क्यूब किया हमने कितना आया 64 और 5 का क्यूब किया था हमने कितना 125, तो इनके बीच की संख्या कितनी है 170, क्योंकि बची हुई हमारी इनके बीच की संख्या तो उसमें कौन सा लेंगे छोटे वाला, हमारा रूल है बड़ा नहीं लेते हम छोटे वाला लेते, बिल्कुल ही आसान। तो घनमूल निकालना कितना आसान है, कितनी बड़ी संख्या क्यों न लो उसमें घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। और देखेंगे बच्चे तो हम घनमूल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ही हमारी आसान ट्रिक्स है घनमूल निकालने की, तो और कितनी भी संख्या क्यों न लो हम घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे 4, 6, 4, 6, 6 और 5, 6 इन संख्याओं का घनमूल, हम इकाई का से अगर तीन संख्या बनेंगे और इनमें इकाई का 6 कब आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जब 6 का क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे 6 का, बिल्कुल ही आसान है। इसमें से देखेंगे भाई हमारे इकाई का 6 कब आया, जब हमने 6 की क्यूब की तो इकाई का कितना लेंगे बच्चे 6 लेंगे। अब हमारे यहाँ बच्चे 46, अब हम 46 देखेंगे किन घन संख्याओं के बीच की संख्या, 27 और 64 के बीच की संख्या वहां आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है तो कब आया 27, जब आपने 30 का क्यूब किया बच्चे हमारा आया 27 और 4 का क्यूब करेंगे हमारा आएगा 64, तो इनके बीच की संख्या हमारी क्या ये 46 है, तो उसमें से हम कौन सा लेंगे छोटे वाला, बिल्कुल ही आसान ट्रिक समझे, तो किसका क्यूब हो गया भाई 36 का, मींस 36 की तीन बार गुणा करेंगे तब हमारा आएगा 46, 6, 6, 7, 5, 6 ये संख्या हमारी आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ संख्याएं आपको दूंगा जिसका आपने घनमूल निकाल कर देखना है, बिल्कुल आसान ट्रिक्स, इससे आसान ट्रिक्स शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, इज मैजिक ट्रिक्स, ठीक है बच्चे। तो मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ 100, 1, 6, 7 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, वही आपने क्या इकाई दशमलव तीन अंकों को अंडरलाइन किया, उसमें इकाई का देखा इकाई का 7 का पाएगा जब हम 3 की क्यूब करेंगे तो हमारा इकाई का 3 हो गया, उसके बाद हम देखेंगे हमारा 12 बच गया, 12 किसके बीच की संख्या 2 और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है, ठीक है 8 और 27 उसमें से कौन सा लेंगे बच्चे छोटे वाले, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ, संख्या नंबर 35 का अपने खुद घनमूल आप प्रैक्टिस करेंगे कोशिश करेंगे कि हम निकाल सकते हैं 1, 9, 6, 8, 3 सेकंड हमारी नंबर होगी ध्यान से देखेंगे 6, 8, 5, 9 थर्ड हमारी संख्या होगी 4, 0, 9, 6 फोर हमारी संख्या होगी 5, 5, 1, 3, 6, 8 और पांचवा हमारा सवाल होगा बिल्कुल ही आसान बच्चे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं और आपने किया भी है तो आप बार बार निकालते भी उन संख्याओं का, ठीक है 1, 3, 3, 1 इससे आसान आप इस ट्रिक द्वारा इन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे और मुझे अपने चैनल पर कमेंट करके बताएंगे कि हमने कितने समय में इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए कम से कम टाइम में घनमूल निकाला, उस टाइम को भी नोट करेंगे कि हम कितने सेकंडों में पलक झपकते ही हम घनमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालने की ट्रिक्स बिल्कुल ही आसान है, एक ही ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे, हमें केवल एक ही बात का याद रखना कि वो संख्या पूर्ण घन हो तभी हम उसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि पैर क्लासेस की तरफ से आपको अच्छी ट्रिक्सों का प्रयोग करने के लिए सीखने का समय मिल रहा है, ठीक है और हमें आशा है कि हम आपको आगे इसी तरह की ट्रिक्स के द्वारा कम समय में अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे कि आप मैथ को एक प्ले की तरह प्ले करें और साथ में प्ले के साथ साथ उसको सीख जाए। लेकिन दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें ताकि उनको भी इस
मैजिक ट्रिक्स का पता चले और मुझे आसान किया नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को देंगे रिस्पॉन्स देंगे और देखेंगे और साथ में कमेंट करेंगे। धन्यवाद। थोड़ी